शर्मा जी, आपने बड़ी टिप्पणी कर दी। आपने कहा कि पीएम मोदी ने एक दिन पहले तारीफ की, उसके बाद सीएम खट्टर को हटाकर सीएम बदल दिया गया। आपने द्रौपदी का भी उदाहरण दिया, क्या कहा आपने विधानसभा में? देखिए, मैंने तो विधानसभा में रामायण की कथा सुनाई थी। सबसे पहले तो जो इन्होंने ब्राह्मणों को तंग किया, चाहे रामविलास शर्मा जी का हक खाया हो, चाहे डोली की जमीन की बात हो, चाहे ईपीबीजी का मुद्दा हो, चाहे गर्दन काटने की बात हो, चाहे प्रश्न लगाए हों काले ब्राह्मण के ऊपर, या मुझ जैसे सच्चे राम भक्त को 54 दिन नंगे पैर चलना पड़ा। मैं मांग क्या रहा था, मैं कागज दे रहा था कि यार भ्रष्टाचार हुआ, इनको गिरफ्तार कर लो। 54 दिन मुझको नंगे पैर चलवाया इन्होंने। आज विधानसभा में इन्होंने अध्यक्ष से समय मांगा था 16 दिसंबर को सत्र में, के जी हम 1 महीने में 28 करोड़ दे देंगे। पूरी ठंड मैंने निकाल दी नहीं कपड़ों के अंदर, और इन्होंने मुझे सरकारी कार्यक्रम में जाने से रोका। और देखो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सुनो भरत भावी प्रबल विनय करूँ मुनिनाथ, लाभानि जीवन मरण यश अभ्यस सब विधियात। कि आज इनको तो भगवान ने पता नहीं कहाँ कहाँ जाने से रोक दिया। यही हरियाणा था पहले, किसी और हैसियत से जाते थे, अब इनमें हम में फर्क क्या है? ये भी विधायक है, मैं भी विधायक हूँ। आपने तो राम कथा की बात कर रहे हो, आपने द्रौपदी का एग्जांपल क्यों दे दिया सीएम फॉर्मर सीएम मनोहर लाल को लेकर? नहीं, द्रौपदी की तो मैंने कोई बात नहीं बोली थी, मैंने राम कथा की बात करी थी। मैंने माँ मंदोदरी की बात बताई थी। अच्छा, कि रामायण के अंदर किस्सा आता है कि जब मेघनाथ जी का वध हो गया तो माँ मंदोदरी रावण को समझाने गई। उससे पहले भी उनके पुत्र मारे गए, कुंभकर्ण मारा गया। आप मेरी 3 मिनट बात सुनेंगे तो मेरी बात अपने आप समझ आ जाएगी, मैंने जो विधानसभा में शब्द सुशब्द कहा है। तो रावण ने से उन्होंने कहा कि नहीं, ये नर के रूप में नारायण है, आप सीता माँ को चोरी करके लाए हो, इसको वापस कर दो। रावण कहने लगा नहीं, मैं नहीं करूँगा वापस। तो मंदोदरी माँ ने कहा कि पशु पक्षी ही तहित पहचाना, कि पशु पक्षियों को भी अपना अच्छा बुरा पता है। और वो उदाहरण देती हैं कि आप एक कुत्ते को रोटी डालो, वो कुत्ता वहीं खाएगा, आपका अभिवादन करेगा, थैंक्स करेगा, दू मिलाएगा अपनी। और वही रोटी घर के बाहर छोड़ दो, कुत्ता चोरी करके ले जाए, वो दूसरी गली में खाएगा और दुम नहीं हिलाएगा, दुम दबाएगा। रावण नहीं माना। फिर वो मंदोदरी माँ से कहने लगा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, मेरी भुजाओं में ताकत थी तो मैंने पंगा ले लिया। मंदोदरी माँ ने फिर समझाया कि उस दिन भुजा कहाँ गई थी, जब एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाई थी। और बाबा तुलसीदास जी लिख के भी गए हैं, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई। कि ये चोरी की सरकार है, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, 75 पार का नारा था, ये चोरी करके रोटी खा रहे हैं। और आज तो ये विश्वास मत हासिल कर लेंगे। रावण कौन है आपकी कहानी? यही रावण है, यही लोग रावण है। आज तो ये विश्वास मत हासिल कर लेंगे, क्योंकि रावण की तरह 20 बुझाएं हैं इनके पास। परंतु जब ये विधानसभा रूपी चुनाव में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, जैसे रावण की बुझाओं को चील कौओं ने खाया, और बाबा तुलसीदास लिख के गए, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई, इनके संख्या बल की जनता की अदालत में ऐसी धज्जियां उड़ेगी। कांग्रेस वॉकआउट करेगी या रहेगी उसमें, वोट करेगी? अब देखिए, पता लगेगा क्या रहता है क्या नहीं रहता। अभी तो चालू है, मैं तो बीच में 2 मिनट के लिए ब्रेक के लिए आया था। और सीएम को हटाया गया, इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे चैप्टर जो हुआ ये? और जेजेपी बीजेपी का तो गठबंधन भी अलग हुआ है। देखिए, कोई वो ठगबंधन अलग नहीं हुआ है, वो ठगबंधन आज भी है। पहले समझौता हुआ था हरियाणा की जनता को लूटने का, अब दोबारा समझौता हो रहा है जनता को बहकाने का। अगर जो ठगबंधन टूट गया तो जजपा के विधायक कहाँ हैं? उन्हें सरकार के विश्वास मत के खिलाफ बोलना चाहिए, एक भी नहीं है। पांच विधायक आए हैं कहाँ हैं जी? हाउस में एक भी नहीं है। जब मैं बोल रहा था सारी सीटें खाली थी जजपा की, वो तो बस जनगणमन सुन के और चले गए थे सारे के, दो चार आए थे जितने भी, सारे के सारे जजपा के विधायक गायब है। और आपने पूछा कि हटाने को लेके क्या कहोगे, कसम से ये व्यक्ति 9 साल हरियाणा में राज कर गया, हमें तो बनाने का ही कारण नहीं पता लगा आज तक, और हटाने का तो क्या पता लगेगा। ठीक है।